बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे काबिल इज्जत काबिल एहतराम दोस्त दूर से आए हुए कोटदू के शहर के नजदीक के लोग मेरे भाई और खास तौर पे आज इस मौके पे हमारे दोस्त चौधरी आए और नाना पीजी आई और चौधरी अख्तर साहब इस मौके पे हमारे साथ होते तो शायद ये खुशी दोबारा होती। इस मौके पे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस स्टेडियम को म्यूनिसिपल स्टेडियम कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब की शहर के लिए बहुत खिदमत थी। आज उनके बच्चों की उनके दोस्तों की और हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट नहीं होती है, यहाँ पे जनाजा भी होता है, यहाँ पे ईद नमाज भी पढ़ी जाती है। इस नेक काम से मंसूब करते हुए चौधरी साहब चौधरी आरिफ साहब के नाम से मंसूब कर रहे हैं। अगली बात मैं ये जरूर कहूंगा कि आज से कुछ 3 साल पहले बल्कि 2 साल पहले ये स्टेडियम था, यही जगह थी। मेरे फेसबुक के दोस्त जो मेरी इस्लाह करते हैं उन्हें खुशी होती है, तो मुझे उनसे मोहब्बत है। जो मुझसे तनकीद करते हैं मैं उन पर मोहब्बत करता हूँ, उनसे खुदा वाला मोहब्बत करता हूँ, यकीन कर मैं मोहब्बत करता हूँ। और मैं जितने कमेंट्स आते हैं आप नोट कर लें, मैं बावजूद हूँ मैं कोई बुद्ध वाला वैदन वाला नहीं पढ़ता, जो तनकीद करता है उसको पढ़ता हूँ। इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे ये सिखा रहे हैं, मैं इनसे सीख रहा हूँ, क्योंकि ये 5 लाख की आबादी का हल्का या 10 लाख की आबादी में से जो तनकीद होगी उससे सीखा जाएगा। तारीफ सियासतदान को और लीडर को तबाह कर देती है, तनकीद हमेशा सियासतदान को लीडर बनाता है। वो ये खुश रहा हूँ मुझे गालियां देकर उनको तस्कीन मिलती है, शायद मैं उनसे सीख लेता हूँ, खुदा वालों उनसे सीख लेता हूँ। और अगर ये मुनासिब नहीं तो वैसे ही इंस्पेक्शन करके मशवरा दे सकते हैं। दो साल पहले इसी स्टेडियम में जो मेरे दोस्त जो मेरे नजदीक रहने वाले जो मेरे सियासी हरीफ मेरा सियासी हरीफ एक है, मैं आज वो पर खड़ा हूं, जिसने 20 साल से 30 साल 35 साल की लड़ाई से लेकर आज इस कोटे को तकसीम करके लूटा, इस हलके की आवाम को लूटा, तकसीम करके लूटा। मैं ना तकसीम करके किसी को लूटने दूंगा ना लूटता हूँ। बाकी किसी ने बात करनी है तो आए, दोस्त आ रहे हैं मेरे, दोस्त आ रहे हैं कि इस कोटे की तरक्की ना हो। से कोई गली बन रही है, कोई पार्क बन रहा है, कोई स्टेडियम बन रहा है, यही 2 साल पहले कोटों के 10-12-15 एमपीए होते थे, 15 एमपीए थे, और आपको तो पता भी नहीं था हमारा एमपीए होता कौन है। मुझे 3 साल हो गए हैं उस स्टेटस को खत्म करने के लिए, लोगों को दीवार में डालने के लिए, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आवाम की खिदमत करूंगा और मैं तनकीद से सीखता रहूंगा, मुझे तारीफ की जरूरत नहीं है, तारीफ मेरे अल्लाह। जितने दोस्त दूर बैठे हुए हैं मुख्तलिफ खिलाड़ी भी हैं दोस्त भी हैं, मैं इतना जरूर कहूंगा कोटों के लिए गरीब का साथ, गरीब मेरे साथ है।
मैं पहले भी जब पोजीशन में था, मेरा खुदा जानता है आप भी, तो भाई खड़े क्यों ना, मेरा खुदा जानता है, मेरे किसान मेरा नहीं है, उसको सौ सौ गरीब आदमी में इकट्ठे हो गया है, उसको पता चल गया कि हमें नीच करने वाला आ गया है, और हमेशा मेरे दरवाजे खुले रहे। आप किसी को देख रहे, आप जाने से पहले, वहां जाने से पहले एक दरवाजे पे जाया करता था, वहां आपकी हाजिरी होती थी, आपकी जेब जाती आती थी, आपकी जेब जाती के बाद फिर उस दरवाजे पे जाते थे, आधे प्रार्थना किए थे, आधे गए थे, कोई अभी जान परेशान है, कोई अभी परेशान नहीं है, कोई कोई जान परेशान है। आप जीवन में आने वाले से पहले को देखे तारीख में तारीख, जो एडीपी ये आई है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे एडीपी में खुदा का करम है, जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, खुदा गवाह है, तीन अरब के प्रोजेक्ट है, तीन अरब के, उसमें एक फ्लाई ओवर है, पूरे दुनिया में एक फ्लाई ओवर है, पूरे दुनिया में। आप सोच रहे मेरी सोच आवाम के लिए है, मेरी सोच गरीब के लिए है, मैंने स्टेटस को तोड़ा है, मैंने कई लोगों को हटाया है, मेरी ताकत नहीं थी, मैंने गरीब की ताकत थी, और कई सोच रहे थे हम चापर अंदा करके उसको डिसाइड कर देंगे, खुदा दुआ मैं बहुत इस मामले में तगड़ा हूँ, मैं 2010 के बाद लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूंगा, लड़के निकलूंगा, मैं नहीं रह सकता, आपकी ताकत साफ आगे बन रहता है, संजू पटका प्रत्यय कर यार, संजू हाथ प्रत्यय कर यार, वीडियो खराब कर दिए सारे, आज चालू के मेरा माँ देखा है, निशानी का क्या काम है, वो इधर से नहीं करा रहा है, उधर से नहीं कराता है, अपनी दुकानदारी सरकारने के लिए, मैं इनकी दुकान से नहीं करता, मेरा मुकाबला भी उनसे, मैं लड़ूंगा भी उनसे, मैं इनका नाम भी नहीं लेता, लेकिन गरीब तल्ले मैं एक वीडियो बड़े ना होना कुर्सी हटा के, कुर्सी हटा के मैं हैरान हूँ, पिछले 30 साल में नाम नहीं लेते थे, रोते थे तो कमरे में रहते थे, कमरे के बाहर रहते हैं तो पुलिस वाले ले जाएंगे, बच्चा हो जाएगा, अभिया हो जाएगा, आज तो उनको जबान लग गई है, वो फेसबुक पे कहते हैं हमारी गली बनी, हमारे साथ वादा किया था, हमारे साथ ये किया था, वो किया था, मेरे भाई मैं समझता हूँ, मैं 3 साल और 30 साल के काम देख लो, 30 साल से कोर्टों में 3 साल के काम लेकर है, एक मुआवजा ये कर लो, दूसरा मुआवजा पूरे हफ्ते का कर लो, मेरे और मेरे मिले के मिला के अकेले कर रहा हूँ, क्यों रुपये मिला कर, मैं कहता हूँ पूरी तारीफ बता रहे, पूरे हफ्ते में अपने काम की, वो चीज हम करा रहे हैं, परेशानी किसको हो रही है, ये भी आम आदमी को सोचना है, गरीब आदमी को सोचना है, परेशानी किसको हो रही है, सुबह थाने के बाहर खड़ा होता था, पटवारी के बाहर खड़ा होता था, और बैठ कर चाय पीता था, शाम को दुकान का सारा काम गाड़ी में लेकर चला जाता था, ये गरीब लोग ताली सवार तस्वीर के दाने जैसे इकट्ठे हुए हैं, मैं कहता हूँ इंसानों के अंदर गलती उससे भी होती होगी, जब बात हित में सीधी बात करता हूँ, सीधी बात करो मेरा हक है, अल्लाह मौका दे, आम वोट दे, मैं नीचे पड़ूंगा तो माफ करूंगा, मुझसे नहीं होती,
जब मुझे गरीब कहेगा आपका हक नहीं है, खुदा की कसम छोड़ दूंगा, मेरा कोई बिजनेस नहीं, खुदा की कसम छोड़ दूंगा। किसी शक्ल में, किसी शक्ल में, किसी पे पैसा लगाएंगे, क्योंकि इनका पेट उनका चूल्हा खत्म हो गया है। गरीब आदमी बारह लंबी स्पीच है, मैं इतना जरूर दूंगा, पेड़ के लिए, गली नाली के लिए, जो शहर के लोग हैं, खासतौर पर बता रहा हूँ, मैंने 25 करोड़ रुपए दिया है और इंशाल्लाह 2 करोड़ महीने में काम शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात, आपके चंदन से चलाए निकलेंगे। मैं एक चीज बताता हूँ, जब बच्चे को सुनाते थे कहते बहु आ रही है, बहु यकीन करें वहां से वो बंदा निकलता था, बने वो समय बात में था, वो भाई जब तक वो है और ये सारी वाला है तो ये बहु है। ये कोई काम नहीं है, काम करना हमारी जिद्दी है, आवाम की खिदमत करना हमारी जिद्दी है। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया है, हम अगले 2 साल कोशिश करेंगे, जिन जिन दोस्तों से वादे किए हैं, वैसे तो घर की भी पूरी नहीं होती दुकान की, लेकिन कोशिश करेंगे 100% तो नहीं, पहले भी तरीके होती है, हमारे फीसद का लोन देता है, क्योंकि 100% मेरे अल्लाह की जात है, जो खुदाई दायरा करता है वो मेरा वो कह सकता है, 90% इंशाल्लाह हम कहीं कहते हैं। और इंशाल्लाह नौजवान जो हमारी झूठ है, जो हमारे पीटीआई का वर्कर है, उसकी मेहनत, उसकी स्पेशल, उसका लगन, आज सारे दोस्तों का इस नए बयान है, ये खुशाई है, ये खुशाई है कि पीटीआई किला है, इमरान खान एक नजरिया का नाम है, इमरान खान लगा सके हमारे यहाँ बहुत टाइम दिया हुआ था इमरान खान और हमारे अधिकारी जिसने दुनिया को शिकस्त की है, हम उसके सिपाही हैं, हम इस माफिया से हमारे लिए क्या माफिया है, हमारे लिए क्या माफिया है, हमारे लिए क्या माफिया है, यकीन करें गरीब नगर आदमी का अमेरिका यही था, गरीब आदमी का अमेरिका यही था, गरीब दुकानदारी नहीं करता था, बच्चे नहीं करता था, नजर पत्थर गोल यही करता था, अल्लाह ने उससे जान चढ़वाई है, जैसे अमेरिका ने जान चढ़वाई है, पाकिस्तान जिंदाबाद, उस्मान की जय, अशरफ खान कहने की बात भी नहीं है, कल आता हूँ 12,000 से 8 लाखों से पकड़ते और अहंकार, ये देख मैं 6 सितंबर को रखना चाहता था, कुछ मैच के हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी वजह से कल हमारा जो है, हम अपनी पाक फौज के साथ शान के साथ खड़े हैं, और ये फौज है तो हम हैं, ये मुल्क है, ये ऐसे है जैसे एक तरफ हुसैन था, एक तरफ जजीर था, एक तरफ फौज है, एक तरफ जजीर है, इंशाल्लाह मैं ज्यादा करूंगा पूरा करूंगा, अभी वादा निकलना ही ज्यादा था।